और फिर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी VBSPU जौनपुर एकमात्र चैनल जो कि आपको अपडेट से पहले अपडेट दे देता है, जिससे कि आप लोग सबसे पहले हर चीज़ जान जाते हैं, समझ जाते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी करते हैं। तो देखिए, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बातों को समझेंगे, आपकी परीक्षा संबंधित जो चीज़ें चैनल ने आपको 10-11 दिन लगभग पहले दे दिया था, वो अब आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से देखने को मिल रहा है कि आपकी परीक्षाएं कब से हो सकती हैं और क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है। चलिए उसको देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और जो चीज़ें आपको पहले बताई गई थी वो भी आप देख सकते हैं। तो आप ज्ञान ना दिया करें, बस केवल उतना समझें जो बता दिया जाए। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस लेवल से ये चैनल काम करता है, बस आपको समझ नहीं आती, थोड़ा सा वीडियो देख करके अगर गोल हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस ये विशेष रूप से ध्यान रखें अगर इस चैनल पर आप जुड़े हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही आपको बताया गया था कि अगर 11 नवंबर से परीक्षा करानी है तो दीपावली से पहले टाइम टेबल देंगे, नहीं दे पाए उसके बाद बता दिया गया कि नहीं होगा। लेकिन अब देखिए जो अपडेट आ गई है कि जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में 11 नवंबर से प्रस्तावित स्नातक और स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। यही अपडेट आपको मिला, कितना दिन पहले बता दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए, यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के परीक्षा फॉर्म लॉगिन वगैरह जो समस्या आ रही है उसके कारण लिया है और इस स्थगन से BA, BSc, BCom प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर और साथ ही साथ MA, MSc, MCom के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। तो आपने देख लिया होगा, आपको पूरा मिल चुका है अपडेट कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित कर दी गई हैं और नई डेट जो है आपको, देखिए परीक्षा फॉर्म संबंधित यही चीज़ें बार बार बताई जा रही थी कि उस वजह से जो है डेट में विलम्ब हो सकता है और वो चीज़ें आपको देखने को मिल ही गई, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपडेट, सबसे सटीक अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और सबसे पहले अपडेट आपको देते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहे चैनल साथ।